नमस्कार ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर फिट एंड हेल्दी एट योर प्लेस. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर 12, एयर वाटर एंड वेदर, राइट? सो बिफोर वी कंटिन्यू, लेट्स अ क्विक रिविजन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो. डन. सो पेज नंबर 121, दैट इज वेदर. तो द जनरल कंडीशंस ऑफ एयर अराउंड अस इज कॉल्ड वेदर. व्हाट इज वेदर? वेदर का मतलब है द जनरल कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस. हमारी आजू बाजू जो जनरल एयर की जो कंडीशन होती है, ठंडी गर्म, है ना, तो उसे हम वेदर बोलेंगे. चेंजेस इन वेदर आर कॉज्ड बाय द सन, विंड एंड वाटर वेपर इन द एयर. सीजन्स में चेंजेस किसकी वजह से आते हैं? सन, विंड एंड वाटर वेपर इन द एयर, राइट? नाउ सी सनी डेज. सनी डेज आर यूजली हॉट. आफ्टरनून इज द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे. मॉर्निंग एंड इवनिंग्स आर कूलर, राइट? सनी डे कब होता है? मोस्टली इन समर, राइट? तो वो कितना हॉट होता है. दोपहर को बहुत ही गर्मी होती है. इट्स हॉट इन आफ्टरनून एंड मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स आर कूलर. उससे मतलब अकॉर्डिंग टू आफ्टरनून, मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स आर कूलर, राइट? नाउ टर्न द पेज. पेज नंबर 122, विंडी एंड क्लाउडी डेज. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. व्हेन द विंड ब्लोज स्लोली इट इज कॉल्ड ब्रीज. And strong windy winds usually accompanied by lightning, thunder, rain or snow is called storm, right? Storms can cause a lot of damage. See, पहले तो moving air जो है, we call it विंड, राइट? अब वो विंड है वो स्लो हो जाती है, ब्लो स्लो यानी धीरे बहती है, तो वी कॉल्ड इट ब्रीज. एंड जब स्ट्रॉन्ग होता है तब क्या होता है? लाइटनिंग, थंडर, रेन. और वो जो स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ टू मच डैमेजिंग, राइट? वो हमारी प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही, हमें बहुत ही डैमेज करता है. नाउ सी, द सन अपीयर्स टू हाइड ऑन क्लाउडी डेज. द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स. क्लाउडी डेज में क्या होता है? सन है, वो आता है जाता है, उसकी जो अपीयरेंस है वो क्या रहती है? हाइड रहती है, छुपा हुआ रहता है क्लाउड्स के पीछे, राइट? द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स. इट इज कूलर ऑन विंडी एंड क्लाउडी डेज देन ऑन सनी डेज. सनी डेज से ज़्यादा जो विंडी और क्लाउडी डेज होते हैं वो ठंडे होते हैं, कूल होते हैं, वहाँ गर्मी नहीं होती उस दिन, राइट? सो दिस इज आवर टॉपिक वेदर. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीजन्स, राइट? सो सी, एवरी फ्यू मंथ्स द वेदर चेंजेस. आफ्टर थोड़े 4-5 महीनों के बाद क्या होता है? क्या होता है? वेदर चेंज होता है, राइट? एवरी फ्यू मंथ्स, थोड़े बहुत मंथ्स के बाद क्या होता है? वेदर चेंज होता है. दिस चेंज गिव्स राइज टू डिफरेंट सीजन्स, राइट? इन्हीं जो ये वेदर चेंज होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिफरेंट सीजन में हम इसे चेंज करते हैं, राइट? सो देर आर 5 मेन सीजन्स इन इंडिया. हमारे इंडिया में कितनी सीजन्स है? 5 सीजन्स. फर्स्ट वन इज समर. तो समर क्या होता है? यू गाइस आर नो, सी समर, सनी डे होता है, हमें आइसक्रीम खानी बहुत पसंद होती है, सी समर. समर टाइम नहीं, हमें बीच पे जाके ऐसे पानी में, स्विमिंग पूल में या वाटर पार्क में जाके एंजॉय करना बहुत पसंद है, राइट? तो वी कॉल्ड इट समर. इट इज़ टू मच हॉट, सो वी लाइक टू
बात अगेन एंड अगेन, नो गर्मी होती है तो हमें क्या चाहिए, वाटर पार्क चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, हम बीच में जाते हैं क्या करने के लिए, घूमने के लिए, राइट। सो दिस इज समर। नाउ सी सेकेंड वन इज मॉनसून। मॉनसून में क्या होता है, इट इज रेनी डे, बारिश होती है मॉनसून में, राइट। सी बारिश हो रही है ना, दिस इज मॉनसून सीजन, राइट। नाउ सी सेकेंड थर्ड सीजन इज ऑटम। ऑटम का मतलब होता है पानखर, जब ट्रीज के जो लीव्स है वो अपने आप निकलने लगते हैं, उसे हम ऑटम बोलेंगे। सी द सीजन इज ऑटम, पूरी जगह आपको देखेंगे सारे पत्ते पत्ते आपको नीचे, राइट। सी दिस इज ऑटम, राइट। नाउ नेक्स्ट सीजन इज विंटर। वी गाइज आर नो, वी गाइज आर अवेयर ऑफ समर, मॉनसून एंड विंटर। ऑटम एंड स्प्रिंग आर सो न्यू फॉर अस, राइट। सो ऑटम का मतलब होता है जब पान खरने लगते हैं, राइट। पान है जो निकलने लगते हैं ट्रीज से, गिरने लगते हैं, तो उसे हम ऑटम बोलेंगे, राइट। नाउ विंटर, विंटर जिसमें बहुत ही ठंडी लगती है, सी आइस ऑल अराउंड अस। यहाँ तो हमारा जो मतलब गुजरात है, हमारे इंडिया का जो गुजरात स्टेट है, वहाँ तो इतनी कोल्ड नहीं होती, पर हम हिमाचल प्रदेश और वहाँ सब जाए तो वहाँ स्नोफॉल होता है, राइट। देखो यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, इतनी ठंडी होती है, इसे हम विंटर बोलेंगे, राइट। सी स्नोफॉल, तब क्या आता है विंटर में, क्या आता है, क्रिसमस आता है ना। सी द क्रिसमस ट्री हियर, सो दिस इज विंटर सीजन एंड वी नीड अवर बॉडी, कितना कूल चाहिए कि वार्म चाहिए, वार्म, नहीं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे रात को आग से गर्मी लेते हैं, राइट। सो दिस इज विंटर सीजन। नाउ सी स्प्रिंग, स्प्रिंग तो सी स्प्रिंग में क्या होता है, जो फ्लावर्स है सब जगह आपको, वो प्लेजेंट सीजन है, सब जगह आपको हरियाली दिखेगी, फ्लावर्स दिखेंगे। सी आपको इतना मज़ा आएगा इस सीज़न में कि आपको बस घूमने का मन करेगा, राइट। सो दिस इज स्प्रिंग सीजन। नाउ सी समर इज द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। समर है वो हमारे साल का सबसे हॉटेस्ट यानी गर्मी देने वाला सीजन है, राइट। एंड विंटर इज द कोल्डेस्ट, और विंटर है वो क्या है, एकदम कोल्ड, उसमें बहुत ठंडी लगती है ना। एंड इट रेन्स ड्यूरिंग मॉनसून, और मॉनसून में क्या होता है, रेन होती है। वी ऑल नो दिस थ्री सीजन्स, राइट। नाउ सी द वेदर इज नाइदर हॉट और कोल्ड इन ऑटम। ऑटम में क्या होता है, ना तो वेदर हॉट होता है ना तो कोल्ड होता है, राइट। ऑफन कूल विंड ब्लोज ड्यूरिंग ऑटम, उसमें क्या होता है, कूल विंड यानी ठंडी हवाएं बहती है, राइट। मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम, बहुत सारी ट्रीज है उनके जो लीव्स है वो क्या करते हैं, शेड करते हैं यानी गिरा देते हैं, राइट। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटम। नाउ सी देयर इज, यहाँ पे डिस्कशन है वो हमने छोड़ दिया गलती से, सॉरी। यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फाइव सीजन्स इज योर फेवरेट एंड व्हाई। दिस क्वेश्चन यू हैव टू डिस्कस विथ योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर फ्रेंड्स, राइट। विच इज योर फेवरेट सीजन ऑफ ऑल दीज फाइव, समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग। आपको इसमें से कौन सी सीजन सबसे ज़्यादा पसंद है, यू हैव टू आंसर इट। आई लव विंटर, राइट। वाई, बिकॉज उसमें हम अच्छी सब्जियाँ खा सकते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइट। तो आई लव विंटर, जैसे मैंने आंसर दिया और उसका रीज़न दिया, यू हैव टू डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, राइट। सो दिस इज़ अवर ऑटम सीजन,
राइट, जहाँ पे क्या होता है, वेदर इज नाइदर हॉट और नॉट कोल्ड, इट इज़ कॉल्ड ऑटम। और उस सीजन में क्या होता है, मैनी ट्री शेड द लीव्स इन ऑटम। राइट, नाउ सी टर्न द पेज, पेज नंबर 1, 2, 3। आफ्टर ऑटम कम्स विंटर, ऑटम के बाद क्या आता है, विंटर आता है। राइट, एंड इट इज़ द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, जो सबसे साल की सबसे ठंडी सीजन है वो क्या है, विंटर है। वो किससे बाद आती है, ऑटम के बाद आती है। वी वेयर वुलन क्लोथ्स टू कीप अवर सेल्फ्स वार्म इन विंटर, वी ऑल नो वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन्स। राइट, तो वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। राइट, वी ऑल नो विंटर में हम क्या पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स, एंड दे कीप अवर बॉडी वार्म। राइट, यहाँ पे क्या लिखा है, दे कीप अवर सेल्स वार्म, सो वी वेयर वुलन क्लोथ्स। राइट, सी दिस क्लोथ्स कीप अवर सेल्स वार्म। राइट, एंड इन समर वी वेयर लाइट कलर क्लोथ्स, खुले खुले एकदम कॉटन क्लोथ्स। राइट, बिकॉज इन समर इज सो हॉट, सो समर कीप्स अवर बॉडी कूल, सॉरी नॉट समर, सॉरी समर नहीं, बट कॉटन क्लोथ्स एंड लाइट कलर क्लोथ्स कीप अवर बॉडी कूल। राइट, सो दैट इज वाई वी वेयर कॉटन क्लोथ्स एंड दिस टाइप ऑफ क्लोथ्स इन समर। राइट, इन मॉनसून वी वेयर रेन कोट, गम बूट्स, वी यूज अम्ब्रेला। राइट, टू कीप अवर बॉडी ड्राई, है ना, हमारी बॉडी ड्राई रहे, हम बारिश में भीगे नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, वी वेयर रेन कोट, गम बूट्स एंड यूज अम्ब्रेला। सो दीज आर दी क्लोथ्स विच वी वेयर अकॉर्डिंग टू दिस सीजन्स। राइट, नाउ सी आफ्टर विंटर कम्स द स्प्रिंग सीजन, विंटर के बाद कौन सी सीजन आती है, स्प्रिंग सीजन आती है। द वेदर इज वेरी प्लेजेंट इन स्प्रिंग। राइट, मैंने बोला था आपको कि स्प्रिंग बहुत ही प्लेजेंट होती है, हमें बहुत ही मज़ा आता है उसमें, गर्मी नहीं होती, ठंडी नहीं लगती, सब जगह क्या होता है, ग्रीनरी होती है, फ्लावर्स आते हैं ट्रीज में, नए नए पत्ते आते हैं। राइट, तो स्प्रिंग इज सो प्लेजेंट, ट्रीज स्टार्ट गेटिंग न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ब्लूम, क्या होता है उसमें, फ्लावर्स नए नए आते हैं। आई टोल्ड यू गाइस दैट स्प्रिंग में फ्लावर्स नए आते हैं, लीव्स नए आते हैं और सब जगह ग्रीनरी होती है। राइट, चेंज इन सीजन अफेक्ट्स द काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वेयर, द काइंड ऑफ फूड्स वी ईट एंड the activities we do. We all know, I told you, I show you that we wear clothes according to seasons. Right, it affects our clothes, our food and our activities that we are doing. Right, see in summer what we eat, what are the mostly eaten food we have, तो इन समर वी ईट मोर फ्रूट्स। राइट, लाइक वाटरमेलन, ऑरेंजेस, जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए। राइट, फिर है हम क्या खाते हैं, और क्या खाते हैं, वी ईट आइसक्रीम एज वेल। राइट, जो हमारी बॉडी को ठंडा रखे। सो दीज आर दी फूड वी ईट इन समर। राइट, फिर कौन सी है, समर के बाद आता है विंटर, तो विंटर में हम क्या खाते हैं, वी ईट मोर वेजिटेबल्स, तब वेजिटेबल्स भी फ्रेश मिलते हैं। राइट, तो खाने में बहुत मज़ा आता है, वी नीड नीड मोर टीज एंड कॉफीज, गरम गरम हॉट चॉकलेट, हमें गरम चीज़ें खानी बहुत ही अच्छी लगती है। राइट, तो दिस काइंड ऑफ फूड वी ईट इन विंटर। राइट, सो ऐसे ऐसे फूड, फिर एक्टिविटीज़ भी अलग अलग होती हैं मानसून में, हम कुछ बाहर
मॉनसून में हम भीगने जाते हैं, राइट। विंटर में हम स्केटिंग करते हैं जहाँ पे आइस होती है वहाँ पे। तो फिर ये सारी एक्टिविटीज़ भी होती है जो सीजन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, राइट। सो दिस इज़ अवर टॉपिक सीजन्स। सो नाउ सी, लेट्स रिमेंबर, फर्स्ट एक्टिविटी इज राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स। ओके, सो फर्स्ट वन इज स्प्रिंग सीजन ब्रिंग्स अस रेन। स्प्रिंग रेन लाती है? नो, स्प्रिंग सीजन इज प्लेजेंट एंड ट्रीज स्टार्ट गेटिंग न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ब्लूम, राइट। सो राइट डाउन एफ हियर। तो रेन कौन लाता है? इट्स मॉनसून सीजन, राइट। मॉनसून सीजन ब्रिंग्स अस रेन। नाउ सी द सेकेंड वन, स्ट्रॉन्ग विंड विथ रेन एंड थंडर इज स्ट्रॉन्ग। यानी जोरों की हवा चल रही है, रेन हो रहा है और थंडर भी आया है, मतलब आवाज़ें हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, तो इसे हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। यस, दिस इज ट्रू। तो राइट डाउन टी हियर। नाउ सी द थर्ड वन, वेदर डज नॉट चेंज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वेदर कभी चेंज नहीं होता बहुत लंबे टाइम तक। नो, दिस इज फॉल्स। इन फ्यू मंथ्स, थोड़े ही मंथ्स में वेदर चेंज हो जाता है। तो राइट डाउन एफ हियर। नाउ सी द लास्ट वन, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन आर अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। ये दोनों एक्टिविटीज़ के से ही क्या होती है? वाटर साइकिल होती है ना। तो यस, दिस इज ट्रू। इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन आर द पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। सो राइट डाउन टी हियर। नाउ सी एक्सरसाइज टू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। आपको ओरली आंसर देना है, तो आई विल गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन ऑनलाइन। ओके, सो लेट्स कीप इट। नाउ सी समरी। सो फर्स्ट टॉपिक इज एयर इज ऑल अराउंड अस। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था कि एयर कंटेन क्या करती है, राइट। तो एयर इज ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट सी इट, वी कैन ओनली फील इट व्हेन इट मूव्स, राइट। वी ऑल नो वी कैन नॉट टच एयर, वी कैन जस्ट फील। एयर कंटेन्स गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स। What does air contain? Air contains water vapor, gases, dust particles and germs, right? Water is very important for life on earth. We all need water on earth. We cannot live without water even, right? Now see, changes in weather are caused by the sun, wind and water vapor in the air. Seasons are weather are changing, right? तो चेंजेस कहाँ से आते हैं, किसकी वजह से आते हैं? सन, विंड एंड वाटर वेपर इन द एयर, राइट। देर आर फाइव मेन सीजन्स। सीजन्स कितनी है? देर आर फाइव मेन सीजन्स, समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग, राइट। एंड चेंजेस इन सीजन्स अफेक्ट्स द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर, द काइंड ऑफ फूड वी ईट and the activities we do, right? So this is our chapter 12. See the video constantly and अच्छे से water cycle, season अच्छे से grab करना। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो we have online class, we will revise our chapter in online class, right? तो जो भी questions है आप अच्छे से book में लिख के रखो। You can ask me in online session, right? Now see, there is one activity which you have to do in homework. This is it. Second one, see, make seasons chart, fill up for different season. You have to fill up it from different season, right? Prepare a table like the one given below. ऑन अ बिग चार्ट पेपर यू कैन मेक बिग चार्ट। देखो, ये आपके घर पे अगर बिग चार्ट पेपर है तो आप उससे बना लो, नहीं तो फिर यू कैन ड्रॉ हियर। यहाँ पे देखो बहुत जगह बची है,
तो यहाँ पे एक सीजन सो आ जाएगी, यहाँ पे आपको और चार लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन नेम ऑफ दी सीजन हियर. फर्स्ट सीजन इज समर, राइट, समर के बाद विंटर ले लो, मॉनसून. लाइकवाइज यू हैव टू राइट डाउन फाइव सीजन्स हियर, डन. फिर यू हैव टू चेंज ए सीजन अराउंड, मतलब सीजन में हमारे आजू बाजू के सीन में चेंजेस आता है. समर है तो इट्स लुक सो हॉट, राइट. फिर कोल्ड है तो क्या होगा, उसमें ठंडी हवाएं चलेगी. इट्स ब्लूम कोल्ड, सॉरी, इट्स कोल्ड हवा, राइट, कोल्ड एयर, राइट. तो हम ये इसमें लिख सकते हैं. फिर ऑटम है तो क्या हो रहा है, ट्री शेड्स लीव्स, राइट. तो यहाँ पे ये सब मेंशन करना है कि उस सीजन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, राइट. फिर फूड ईटन, हम फूड क्या खाते हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू गाइज, दैट वी ईट आइसक्रीम एंड जो वाटरमेलन ऑरेंजेस टाइप के जो फ्रूट्स हैं, मोर फ्रूट्स दैट कीप अवर बॉडी हाइड्रेटेड. तो ऐसे फूड हम खाते हैं, राइट. तो यू हैव टू राइट डाउन फूड ईटन यहाँ पे. फिर क्लोथ्स वॉन, हम क्लोथ्स कौन से पहनते हैं, दैट यू हैव टू राइट डाउन इन दिस पार्ट. सो दिस चार्ट यू हैव टू मेक इट हियर और एल्स यू कैन मेक इट ऑन चार्ट पेपर. ओके, सो डन फॉर टुडे. Bye everyone, take care, stay healthy.